नमस्कार, TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता। तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी चौथी सूची भी जारी कर दी है और इस चौथी सूची का पूरी तरह से हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात मंत्रियों की। देखिए, इस 57 नामों में से 24 मंत्रियों को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है, उसका विश्लेषण हम अलग से करेंगे। पहले इन मंत्रियों की बात कर लें। नरोत्तम मिश्रा, इसके अलावा भूपेंद्र सिंह, इसके अलावा गोविंद सिंह राजपूत और इसके अलावा प्रभुराम चौधरी, हरदीप सिंह डंग, कमल पटेल और भी ऐसे लंबे नाम हैं जो स्क्रीन पर आपको ये सूची दिखाई दे ही रही होगी। 24 मंत्रियों के इसमें नाम शामिल है। अब इन मंत्रियों को टिकट देने के पीछे क्या मकसद है? सबसे पहले तो बात ये आ रही थी कि बीजेपी के इन मंत्रियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, मगर बीजेपी इसे नहीं मान रही थी। और कहीं ना कहीं जब लगातार सर्वेस बीजेपी करवा रही थी कि आखिरकार यहां से टिकट किसे दिया जाए, दो तीन उदाहरण हम देखते हैं, उससे आप समझ सकेंगे कि आखिरकार बीजेपी ने इन मंत्रियों पर ही भरोसा क्यों जताया है। पहला पॉइंट अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, अब मान लीजिए कि उनके खिलाफ माहौल ठीक नहीं है तो बीजेपी ने दूसरे कैंडिडेट्स भी देखे, मगर उतना मजबूत कैंडिडेट बीजेपी को नहीं मिला। क्योंकि अगर आप नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट देते हैं तो फिर आपको उनके जैसा ही दावेदार या कहें कि मजबूत कैंडिडेट चाहिए, मगर वो बीजेपी को नहीं मिला, आखिरकार उन्हें टिकट दिया गया। ऐसा ही एक उदाहरण गोविंद सिंह राजपूत का ले लीजिए। ये वो हैं जो सिंधिया समर्थक हैं और कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, मगर लगातार कई बार से ये विधायक हैं, 3-4 बार से ये विधायक हैं और बीजेपी को ही हराते आ रहे थे। मगर 2020 के जब उपचुनाव हुए उस समय गोविंद सिंह राजपूत इतने वोटों से जीते जितना कि कभी वो कांग्रेस में रहते हुए भी नहीं जीते। और ऐसे ही फिर प्रभुराम चौधरी भी हैं और तुलसी सिलावट भी है जिन्हें टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर इन चेहरों के खिलाफ हो सकता है कि इनके क्षेत्र में नाराजगी रही हो, क्योंकि मंत्री से आम जनता की कई उम्मीदें होती हैं, कई एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उसी को लेकर नाराजगी होती भी है। 2018 के चुनाव में 13 मंत्री मध्य प्रदेश में चुनाव हार गए थे। तो इस तरह से इन मंत्रियों पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लेवल का कद्दावर नेता या मंत्री उन्हें उस सीट पर नहीं मिला। अब बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की। देखिए, जब 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, 28 सीटें थी उस वक्त जो जिन्होंने विधायकों ने इस्तीफा दिया था और बीजेपी में आ गए थे। उपचुनाव हुए, उपचुनाव के बाद 19 सीटों पर बीजेपी जीती और 9 सीटों पर कांग्रेस जीती। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई बड़े समर्थक थे और जैसे कि अगर आप नाम में देखें तो तुलसी सिलावट, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, ये पांचों मंत्री कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने की उसमें भी थे और पांचों ही मंत्री जब बीजेपी की सरकार बनी उसमें भी थे। अब यहां पर भी यही हुआ, क्योंकि शुरुआत में कहा जा रहा था कि ये डील जो है वो 2023 तक की, यूं कहें कि बातचीत जो है वो 2023 तक की है, 2023 के बाद बीजेपी अपने उन पुराने चेहरों को ही टिकट देगी। मगर यहां पर मामला सिर्फ और सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार का है। बीजेपी ने तय किया है कि जो चुनाव जीतेगा उसे ही टिकट दिया जाएगा, फिर वो किसी भी खेमे का हो और किसी भी प्रकार की उसके लिए चीजें चल रही हो। और यही कारण है तुलसी सिलावट तकरीबन 60,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। प्रभुराम चौधरी भी तकरीबन 52-54,000 वोटों से जीते थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। गोविंद सिंह राजपूत के साथ भी यही हुआ था, प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ भी यही हुआ। तो ऐसे में पार्टी ने सोचा कि देखिए, ये तो वो सीटें हैं और ये वो उम्मीदवार हैं जो ऑलरेडी 3-4 बार से बीजेपी को चुनाव में हराते ही आ रहे हैं, तो फिर क्यों ना इन्हें ही टिकट दिया जाए। और वही हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की चली भी और दूसरी तरफ से देखा जाए तो उस तरह का कैंडिडेट बीजेपी को इन सीटों पर मिला भी नहीं, जिताऊ कैंडिडेट नहीं मिला। अब बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। देखिए, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, अटकलें चल रही थी कि शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि दो सूची जब आई और जिसमें बड़े बड़े नेताओं का नाम शामिल था, जिसमें प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय मंत्री, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, तो इसको लेकर चर्चा बड़ी चल रही थी कि देखिए शिवराज सिंह चौहान का नाम तो नहीं है और इस बार तो पार्टी कह रही है कि हम किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सभी
चुनाव जो है वो मिलकर लड़ रहे हैं। तो ऐसे में लगातार बात हो रही थी कि क्या शिवराज सिंह चौहान का नाम पीछे हो गया है, क्या वो सीएम के दावेदार नहीं है। तो ये सारी चीज़ों पर, सारे कयासों पर अब पूरी तरह से पूर्ण विराम लग गया है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने बुधनी विधानसभा से टिकट दिया है और यही ये वही विधानसभा है जिसमें शिवराज सिंह चौहान पहली बार विधायक बने थे 1990 में। हम देख रहे थे वो अपने गृह जिले से किस तरह की बातें कर रहे थे। उन्होंने जनता से पूछा था चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। उन्होंने तो अपनी सीएम की दावेदारी भी कर दी थी, कह दिया था कि मैं कैसी सरकार चला रहा हूं, अच्छी सरकार चला रहा हूं या बुरी सरकार चला रहा हूं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा तो क्या फिर मुझे सीएम बने रहना चाहिए नहीं बने रहना चाहिए। तो ये उन्होंने जनता से पूछा। तो आप जब शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा से लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो फिर सबसे बड़ा चेहरा अगर बीजेपी के सामने कोई होगा तो वो शिवराज सिंह चौहान ही होगा। तो आप ये अटकलें या ये कयास जो चल रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान सीएम नहीं होंगे या फिर उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, पार्टी ने साइडलाइन कर दिया है, अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। इसके बाद एक और विश्लेषण इस सूची को लेकर, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम फिलहाल इन चारों सूचियों में नहीं है। तो अब इसको लेकर भी तरह तरह के कयास चल रहे हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तो इसलिए भी चल रहा है क्योंकि जो शिवपुरी सीट है जहां से उनकी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया, जो कि मौजूदा शिवराज सरकार में मंत्री हैं, कई बार से वहां पर विधायक रही है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और यही कारण है कि वो इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। अब गुना शिवपुरी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है, सांसद वो यहाँ से रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 2019 का लोकसभा चुनाव भी वो इसी लोकसभा क्षेत्र से लड़े थे। तो ऐसे में अब ये भी कयास है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बीजेपी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार सकती है और अब यशोधरा राजे सिंधिया की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम हो सकता है। 136 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है मगर शिवपुरी सीट का ऐलान नहीं हुआ है। यही बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर भी लागू होती है कि उन्हें भी मैदान में उतारा जा सकता है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा भी सीएम पद के दावेदार हैं। गोपाल भार्गव ये बात कह चुके हैं कि इस बार पार्टी किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रही, मेरे गुरु ने कहा है कि इस बार चुनाव लड़ो, हो सकता है कि आप मुख्यमंत्री बन जाओ। कैलाश विजयवर्गीय कह चुके हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूं। आगे देखते जाइए कि क्या क्या होता है। तो इस सूची का इस तरह से विश्लेषण था, 3-4 बिंदु इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कुल मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम इसमें नहीं है, हो सकता है कि वो चुनाव लड़ें। शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो अटकलें चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और बीजेपी ने एक बार फिर से अपने मौजूदा मंत्रियों पर एक बार फिर भरोसा जताया है। आगे भी राजनीतिक अपडेट्स देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता।